welcome you friend i am devendra chaudhary in this video we are going to discuss the classification of plant disease based on symptom this is part 2 for the lecture 4 so let's get started क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस्ड ऑन होस्ट प्लांट तो जैसे जैसे सिम्टम आएंगे उस डिजीज का नाम भी वैसे ही हो जाएगा जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू यहां पर आप देख रहे हैं पिक्चर में डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है डाउनी मतलब होता है कॉटनी कॉटन की तरह मिल्ड्यू मतलब होता है फंगस तो लीफ के डाउन सरफेस में ये कॉटनी फंगस का ग्रोथ दिखाई देता है जिसे हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं और इसके अपर सरफेस में कैसा दिखाई देता है सिम्टम लाइट येलो कलर का डिसकलरेशन या फिर क्लोरोसिस दिखाई देता है अपर सरफेस से और लोअर सरफेस में कॉटनी फंगस का ग्रोथ दिखाई देता है ये कॉटनी फंगस का ग्रोथ क्यों होता है एक तो इसका माइसिलियम हो सकता है और दूसरा इसका स्पोरेंजियो फोर होता है ये मोस्टली पेरोनास्पोरेसी जो फैमिली है फंगस का उसके कारण होता है फॉर एग्जाम्पल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन पाउड्री मिल्ड्यू पाउडरी मतलब पाउडर की तरह वाइट पाउडर की तरह मिल्ड्यू मतलब फंगस तो पौधे के ऊपरी सरफेस में वाइट कलर का फंगस का ग्रोथ दिखाई देता है जिसे हम पाउड्री मिल्ड्यू कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पाउड्री मिल्ड्यू ऑफ मैंगो पाउडरी मिल लियो पी लीफ कर्ल कर्लिंग थिकनिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ इसके कारण से क्या होता है लीफ में कर्लिंग हो जाती है जो पौधे की पत्तियां हैं वो मुड़ जाती हैं और थोड़ी मोटी हो जाती हैं थिक हो जाती हैं जिसके कारण से इसका जो सेप है वो बिगड़ जाता है जिसे कहते हैं डिस्टोर्सन फॉर एग्जाम्पल पीच लीफ कर्ल टोमेटो लिफ कल जो पीच लिफ कल है ये फंगस के कारण से होता है और जो टोमेटो लिफ कल है ये वायरस के कारण होता है गाल्स इन लार्ज पार्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन यूजली कॉज्ड बाई एक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन और इनलार्जमेंट ऑफ प्लांट सेल फॉर एग्जाम्पल क्लब रूट कॉज्ड ड्यू टू प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी बैक्टीरियल गर्ल्स कॉज बाई एग्रोबैक्टीरियम तो इसमें क्या होता है प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है या उनका नंबर्स बढ़ जाता है जिसके कारण से पौधे में ऐसे गाल्स बनते हैं यह है क्राउन गाल जो एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है और यह है लीफ गाल अ अफन क्रस्ट लाइक डिजीज एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल एप्पल स्केब पियर स्केब तो ये जो सिम्टम दिखाई दे रहा है ये है स्केब का इसमें क्या होता है पौधे के सरफेस के जो टिश्यूज़ हैं सेल हैं वो डेड हो जाते हैं फंगस के कारण और उसमें क्रैकिंग हो जाती है इसे स्केब कहते हैं डाईबैक ये जो सिम्टम दिखाई दे रहा है पिक्चर में ये है डाईबेक का इसमें क्या होता है जो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं ग्रोइंग पार्ट जैसे कि टिप वो मर जाते हैं और कैसे मरते हैं पहले ऊपर का पोर्शन मरता है उसके बाद ये नीचे जाते हैं इसीलिए इसे डाईबैक कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सूट डाईबेक ऑफ एप्पल एंथ्रेकनोज एंड अल्सर लाइक लीजेंस दैट कैन बी नेक्रोटिक एंड सनकन दिस लीज कैन अपीयर ऑन द फ्रूट्स फ्लावर्स एंड स्टेम्स ऑफ द होस्ट फॉर एग्जाम्पल बीन एंथरेक्नोज ये जो सिम्टम दिखाई दे रहा है ये है बीन एंथरेक्नोज का इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट है वो धसा हुआ है इसे सनकन कहते हैं सनकन मतलब धसा हुआ और नेक्रोटिक है मतलब कि मर चुका है डेड है ठीक है डैम्पिंग ऑफ इसका क्या मतलब है रैपिड कोलैप्स एंड डेथ ऑफ वेरी यंग सिडलिंग्स तो ये टू टाइप का होता है प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ और पोस्ट इमरजेंस ऑफ प्री इमरजेंस में क्या होता है जैसे ये सॉइल का लेयर है यहां पर हम सीड सोइंग किए हुए हैं तो इसमें जब जैसे ही जर्मिनेशन होगा वैसे ही इसमें इंफेक्शन हो जाता है और ये जो सिडलिंग है वो मर जाता है और ये सीडलिंग ज़मीन के ऊपर नहीं आ पाता तो उसे कहते हैं प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ दूसरा कंडीशन क्या होगा कि सीड में जर्मिनेशन होगा और ये ऊपर आ जाएगा अब ऊपर आने के बाद ये जो कॉलर रीजन है वहाँ पर पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाता है और ये जो प्लांट है वो गिर जाता है इसे कहते हैं पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ ये मोस्टली राइजोक्टोनिया पिथियम और फ्यूजेरियम के कारण होता है रॉट्स रोटिंग एंड डिस इंटीग्रेशन ऑफ फ्लैसी लीब्स रूट्स ट्यूबर एंड फ्रूट्स सो फ्रूट में या ट्यूबर्स में सड़न हो जाती है इसे कहते हैं रॉट्स उदाहरण के लिए फाइटोपथोरा रूट रॉट तो इसमें रॉटिंग कहाँ हुई है रूट्स में इसी प्रकार से फ्रूट रॉट भी हो सकता है फ्लावर रॉट भी हो सकता है आगे बढ़ते हैं लीप स्पॉट अ सेल्फ लिमिटिंग नेक्रोटिक लीजन्स ऑन द लीफ ये जो स्पॉट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं छोटे एरिया में आते हैं और क्यों होता है ये नेक्रोसिस के कारण मतलब सेल डेथ के कारण पैथोजन आता है और सेल को किल कर देता है और जो डेड सेल है वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता है तो इसीलिए ऐसे स्पॉट्स लीफ में बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल सेप्टोरिया लिप स्पॉट इन टोमेटो अब आते हैं ब्लाइट में रेपिड जनरलाइज्ड ब्राउनिंग एंड डेथ ऑफ लिप्स फ्लोरल ऑर्गन स्टेम्स एंड ब्रांचेस फॉर एग्जाम्पल ब्लोजम ब्लाइट टोमेटो अर्ली ब्लाइट पोटेटो लेट ब्लाइट ब्लाइट मतलब क्या होता है इसमें भी नेक्रोसिस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया में होती है इसीलिए इसको ब्लाइटिंग कहते हैं फिर देखते हैं स्पॉट ब्लॉच नेक्रोसिस ऑफ लिप टिश्यू विच इज़ जनरली लार्जर देन लिप स्पॉट बट स्मॉलर देन लिप ब्लाइट फॉर एग्जाम्पल स्पॉट ब्लॉच ऑफ वीट सेप्टोरिया ब्लॉच ऑफ वीट तो इसमें क्या होता है इसमें भी नेक्रोसिस होती है सेल में डेथ होता है लेकिन जो इसका साइज है वो लिप स्पॉट से बड़ा है लेकिन लिप ब्लाइड से कम है तो इसको कहते हैं स्पॉट ब्लॉच कैंकर ऑफ़न सनकन ऑन स्टेम ब्रांच फ्रूट एंड ट्विग्स ऑफ द प्लांट फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर अब आते हैं रस्ट अ डिजीज गिविंग अ रस्टी अपीयरेंस टू अ प्लांट फॉर एग्जाम्पल वीट रस्ट ये देखिए लीप सरफेस में इसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे कि किसी लोहे का जो पट्टी है उसमें जंग लगा हुआ है तो जैसे जंग लगता है तो वहाँ का जो सरफेस है वो उभर जाता है वैसी ही जब ये डिजीज आती है तो वहाँ का सरफेस उठा हुआ होता है इसीलिए इसे रस्ट कहते हैं ऐसा क्यों होता है जैसे प्लांट का सरफेस है इसमें पैथोजन का इन्फेक्शन होगा जैसे स्पोर आया यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ ये जो स्पोर है वो माइसीलियम बनाएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा उसके बाद इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं तो वो इतने ज़्यादा मात्रा में स्पोर्स बनाते हैं कि ये जो लीफ का अपर सरफेस है वो ऐसे फूला हुआ दिखाई देता है और जब ये रप्चर होता है टूटता है तो स्पोर्स बाहर आते हैं और हवा में फैलते हैं तो इसे रस्ट कहते हैं फिर है स्मट ग्रेन्स ऑफ अ प्लांट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक पाउडरी मास फॉर एग्जाम्पल वीट स्मट इसमें क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा एक ग्रेन बनेगा लेकिन जब ये इन्फेक्टेड है तो क्या होगा ग्रेन के जगह पे ब्लैक पाउडरी मास बनते हैं और ये क्या होते हैं फंगस के स्पोर होते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है वो फंगस के स्पोर्स हैं अब आते हैं विल्ट लॉस ऑफ प्रिजिडिटी एंड ड्रोपिंग ऑफ प्लांट पार्ट जनरली कॉज्ड बाई इनसफिसट वाटर इन प्लांट फॉर एग्जाम्पल बनाना विल्ट इसमें क्या होता है जैसे एक नॉर्मल प्लांट है रूट्स हैं उसके सूट है और ये लीफ है ठीक है इसके रूट्स में इन्फेक्शन होता है और जो पैथोजन है वो वस्कुलर टिश्यू में जाइलम फ्लोएम में मल्टीप्लाई होता है जैसे कि जाइलम में ये मल्टीप्लाई हो रहा है जाइलम का काम क्या है वाटर को एब्जॉर्व करके नीचे से ऊपर पहुंचाना। तो ये जो पैथोजन है वो जाइलम में प्रेजेंट है जिसके कारण से वाटर नीचे से ऊपर नहीं जाता है और जो ऊपर का सरफेस है ऊपर का एरिया उसमें विल्टिंग सिम्टम दिखाई देता है इसे ही विल्ट कहते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें धन्यवाद